दोस्तों आजकल मोबाइल कौन नहीं यूज़ करता, देश में लगभग अधिकतर लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। दोस्तों आज अगर बात करें हम यूथ मोबाइल यूज़र की, तो वो लोग मोबाइल के साथ साथ एक ईयरफोन लगाना भी पसंद करते हैं। दोस्तों लगभग 60-70% यूथ ईयरफोन लगाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों आजकल हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ईयरफोन की जो आपके लिए बेहतर क्वालिटी का और सस्ता ईयरफोन साबित होगा। तो दोस्तों चलिए आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये ईयरफोन के फीचर क्या क्या हैं, इस ईयरफोन के फीचर क्या क्या हैं और आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों आप वीडियो देख करके डिसाइड करिए कि आपको ये इस ईयरफोन को लेना चाहिए या फिर नहीं। तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए कि ये आपके लिए बेहतर साबित होगा या फिर नहीं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया देर किस बात करनी, नीचे दिए हुए इस तरीके लाल बटन दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन उसे जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको नई नई जानकारी हासिल होते रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करें और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को नीचे दिए हुए लाइक बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसी वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पैकिंग भी काफ़ी खूबसूरत आपको देखने को मिल रही है और अगर इसकी कंपनी की बात करें 3D गोल्ड कंपनी का ये आपका वायरलेस स्टूडियो साउंड है और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाएगा वो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है हाई क्वालिटी साउंड मिलेगा आपको, मल्टी डिवाइस कंपेटेबिलिटी भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो है आपको कंफर्टेबल टू वेयर भी होगा और आपका वॉइस रीडायल ऑप्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.1 वर्जन का ब्लूटूथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो आपकी 2.1 से लेकर के 2.48 GHz तक यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी रेट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसकी ट्रांसमिशन डिस्टेंस की तो यहाँ पर अप टू 10 मीटर तक आपको इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे आप जो है इस 10 मीटर के अंदर आपको बात कर सकेंगे इसको। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट जो करेगा वो A2DP और AVRCP, यहाँ पर आपको HS.HFP वर यहाँ पर सपोर्ट करेगा। और दोस्तों फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पर 20 से 20,000 Hz तक आपको यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करें इसे म्यूज़िक और टॉक टाइम की, तो यहाँ जो इसकी बैटरी है दोस्तों अप टू 5 hours यानी कि 5 घंटे तक इसकी बैटरी बैकअप इसमें रहेगा, जो कि स्टैंड बाय की अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कंपनी ने दिया हुआ है कि अप टू 150 घंटे यानी कि 150 आवर यानी कि 150 घंटे तक आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर चार्जिंग इनपुट वोल्टेज की, तो DC 5V से यानी कि आपके एक मोबाइल चार्जर से ये डिवाइस चार्ज होगी। अब दोस्तों चलिए इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इसको ओपन कर रहा हूँ और आपको दिखा दूँ कि ये डिवाइस इसका लुक कैसा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बॉक्स में तो इसका लुक काफ़ी अच्छा सा और काफ़ी प्यारा सा देखने को मिल रहा है, लेकिन हम देखें इसके बॉक्स पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ब्लूटूथ डिवाइस और जो कि कुछ इस टाइप का है और अंदर और देखें क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक ईयर का होल्डर यानी कि कान का होल्डर भी आपको यहाँ पर दिए कंपनी दे रही है और जो कि आपका इसमें फिट हो जाएगा और उसके बाद जो है आप इसको अपने साथ यूज़ कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बढ़िया सी रबड़ दी हुई है जो कि आपको मैं खोल के दिखा दूँ, तो ये काफ़ी अच्छी रबड़ है और अपने कानों को दर्द से बचाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी क्वालिटी की तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी दी हुई है और इसका कलर जो है वो भी सिल्वर कलर और ब्लैक कलर में इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब दोस्तों इसके आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पीकर की और जो जाली आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत दिख रही है देखने में। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये चार्जिंग जैक, तो इससे आप यहाँ पर अपने मोबाइल चार्जर से भी इसको आराम से अच्छे तरीके से चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो स्विच दिया हुआ है, तो ये स्विच आपको ऑन ऑफ के लिए ये स्विच दिया हुआ है, आपके कॉल अटेंड करने के लिए स्विच दिया हुआ है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये ब्लूटूथ आपका ऑन हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लू लाइट जल चुकी है और ये आपका ब्लूटूथ ऑन हो चुका है। अब दोस्तों इसको ऑफ करने के लिए फिर से हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस रखेंगे और ये ब्लूटूथ आपका ऑफ हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखेंगे तो राइट साइड में इसके जो है वॉल्यूम का बटन भी दिया हुआ है, तो जो कि आपको देख रहे हैं इस टाइप से है, आप इसके इस बटन से अपने साउंड के इसकी स्पीकर की आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छा सा ये दिया हुआ है। अगर हम इसके स्पीकर की बात करें तो यहाँ पर से आपको वॉइस इनपुट दिया हुआ है जो कि आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छे से कैच करेगा। अब दोस्तों हम इसकी बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग बहुत ही सस्ती है और आपको
बहुत ही आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। और अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये आपको मार्केट लोकल मार्केट में आपको 250 से 300 रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा, और जो कि काफ़ी अच्छा है। साउंड इसका क्वालिटी अच्छी है, और जो कि मैंने अभी इसको चेक किया हुआ था तो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी, और इसकी जो डिस्टेंस है, जो रेंज है, वो भी लगभग 10 मीटर तक बहुत ही अच्छा कैच करता है। और थोड़ा सा 10 मीटर के आगे जाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन 10 मीटर के अंदर बहुत ही अच्छा कैच करता है। दोस्तों आपको ये डिवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिवाइस आपको कैसे लगी। और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे अपने लोकल मार्केट में जा करके परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 250 से 300 रुपये के आसपास में आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा। आपको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में बताइए कि आज किस वीडियो से क्या आपने कुछ नया देखा, क्या आपने कुछ नया जाना, और क्या आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको अगर इस तरह के अनबॉक्सिंग की वीडियो देखने हैं तो हमें हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए इस तरीके के लाल वाले बटन को दबा करके हमारे चैनल टेक्निकल एंस को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में अगर नोटिफिकेशन बेल आइकन, उसे भी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको इसी तरीके की नई नई जानकारी हासिल होते रहे। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।